हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। इसके अंदर हमने दो टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक जिसमें हमें किसी सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे लिया हुआ है, और दूसरा है हमारा द यूज ऑफ इज आर एम। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें दिया हुआ है वो है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कि जो वर्ड्स दिए हुए हमें उनको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो सबसे पहले क्या दिया है, आर प्लेइंग दे फुटबॉल। तो और आखिर में जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसका मतलब हमें जो सेंटेंस बनाना है वो हमारा प्रश्नवाचक होगा। तो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या देखिए क्या है, आर प्लेइंग दे फुटबॉल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, प्लेइंग दे फुटबॉल। तो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या होगा, दे। आर दे, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, प्लेइंग। आर दे प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फुटबॉल। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट वन इज सन द ब्राइटली शाइनिंग एज। क्या दिया हुआ है, सन द ब्राइटली शाइनिंग एज, और ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें यही प्रयोग होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सन, और सन क्या है, पर्टिकुलर है, तो इसके साथ द का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले द सन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एज, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, शाइनिंग या ब्राइटली शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट वन इज ट्री वाज देयर बिग ए, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगी, तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ट्री, ए ट्री, वाज ए ट्री, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले आ चुके, उसके बाद में वर्ब, वाज ए ट्री, सॉरी इसमें बिग बीच में रह चुका है, तो वाज ए बिग ट्री, वाज ए बिग ट्री देयर, वाज ए बिग ट्री देयर। नेक्स्ट वन इज वेरी इट स्मॉल। तो सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इज वेरी इट स्मॉल, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, इट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, उसके बाद में वर्ब, तो इसमें वर्ब नहीं है, तो इट इज वेरी स्मॉल।
इट इज वेरी स्मॉल. नेक्स्ट वन, कैच द आई सेल बॉल और साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल. शैल उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई. शैल आई उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है कैच. शैल आई कैच दी बॉल. शैल आई कैच दी बॉल. नेक्स्ट वन इज गुड ही वाज ए बॉय. सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज, उसके बाद में वर्ब, वर्ब इसमें कुछ भी नहीं है. ही वाज ए गुड बॉय. ही वाज ए गुड बॉय. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम. हमें इज आर एम का प्रयोग करके जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है. तो देखिए इज ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, और एम आई के साथ प्रयोग होता है. तो ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज. ही इज ए गुड बॉय. ही इज ए गुड बॉय. दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का. दे आर माई फ्रेंड्स. दे आर माई फ्रेंड्स. आई के साथ एम का प्रयोग होगा. आई एम ए स्टूडेंट. आई एम ए स्टूडेंट. यू वॉचिंग पिक्चर्स. तो यू भी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा. यू आर वॉचिंग पिक्चर्स. इट ए चेयर. तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का. तो इट इज ए चेयर. तो आज हमने दो टॉपिक किए. फर्स्ट टॉपिक क्या था, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक. बाय बाय, टेक केयर.